कि ये मेन चीज है, इस पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट का नाम रखना, अगर आपके कॉलेज में फैसिलिटेटर हो तो उसको सेलेक्ट करना, और अगर इस पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन में आपके कॉलेज का नाम ना हो तो फिर अदर्स करके अदर सेलेक्ट करना यहाँ पे, और यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम डाल देना। अब उन लोगों के लिए जिनके कॉलेज में फैसिलिटेटर नहीं है, उन्हें इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को सेलेक्ट कर लेना, बस आपका काम हो जाएगा। ये मेन चीज थी, ठीक है। बेटा कॉमर्स वाला एनआर हॉस्पिटल में आपको बताऊंगा आपको रजिस्टर कैसे करना है 2022 गूगल का रेडी फैसिलिटेटर प्रोग्राम के लिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि मैंने इससे पहले एक वीडियो ये डाली जिसमें मैंने आपको बताया है कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं रजिस्टर करते टाइम पर, इसको जरूर देख लेना। और अपने सेकंड वाले चैनल पे मैंने ये डिटेल वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको एग्जैक्ट पाथ बताया है रजिस्टर कैसे करना है, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को जरूर देख लेना, ठीक है। उसके साथ साथ पूरे प्रोग्राम की सॉल्यूशन की डॉक्यूमेंटेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसे चेक कर लेना। और अब मैं आपको बताता हूं रजिस्टर कैसे करना है, उसे ध्यान समझना, ठीक है। रजिस्टर करने के लिए जो फॉर्म आएगा वो वही आएगा जो पिछले साल आया था, तो मैं पिछले साल का एग्जांपल लेके आपको समझा दूंगा। अभी 4:50 हो रहा है, अभी फॉर्म ओपन नहीं हुआ है, ठीक है। फॉर्म ओपन होगा इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर, और यहाँ पे एनरोलमेंट्स ओपन लिख के आ जाएगा 5 बजे। अभी 10 मिनट है, बट मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि फॉर्म कैसे फिल करना है जिससे ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो फॉर्म ऐसे फिल करना है कि ये पर्टिकुलर वीडियो मैंने पिछले साल बनाई थी, सेम इसी को फॉलो करके फॉर्म को फिल करना है। आप कैसे उसको समझते हैं, ठीक है। जैसे ही आप एनरोल नाउ पर क्लिक करेंगे, कहां पर, यहां पर, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे एक फॉर्म ओपन होगा। कौन सा फॉर्म वो समझा देता हूं। ये ऐसा कुछ फॉर्म ओपन होगा, यहां पे 2022 लिखा होगा, उसके बाद नीचे यहां पे गुडीज मेंशन होगी, ठीक है। फिर आपको सबसे पहले यहां पे नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, जो मैं बता रहा हूं सेम ऐसे ही होगा, इसको ध्यान सुनना। फिर इसको यस पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना, यहां पे फुल नेम डालना, यहां पे अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस कौन सा, नए जीमेल से लॉग इन करके फॉर्म को फिल करना। मैंने उसके बारे में वीडियो बताया है कि जैसे मानो इस पर्टिकुलर फॉर्म को आपने ओपन किया, एग्जांपल ले रहा हूं, उसके बाद यहां पे साइन इन करने का ऑप्शन आता है, तो उसी जीमेल से साइन इन करना जो डेटा गूगल के पास ना हो, एकदम नया जीमेल, ठीक है। तो उसी जीमेल से आप क्विकलैब्स का नया अकाउंट भी बनाएंगे और उसी जीमेल से आप ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को फिल भी करेंगे। इसके बारे में पहले दोनों वीडियोस में मैंने बताया है, आई होप आपने देखा होगा, ठीक है। तो नया गूगल अकाउंट से फिल करना और नया क्विकलैब्स का अकाउंट बनाना, उसके बाद वो पर्सनल ईमेल एड्रेस यहां पे फिल करना, एकदम नया वाला, ठीक है। और नए वाले जीमेल से ही फॉर्म को फिल भी करना, ठीक है। यहां पे नाम डालना अपना, नाम सेम डालना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वही ईमेल एड्रेस को यहां पे कंफर्म करना, उसके बाद टी-शर्ट साइज डाल देना, जो भी आपकी हो एड्रेस डाल देना। अब यहां पे सेलेक्ट योर इंस्टीट्यूशन नेम, इसमें क्या करना है कि आपको अपने इंस्टीट्यूशन का नेम सेलेक्ट करना है, अगर आपके कॉलेज में फैसिलिटेटर है तो, अगर आपके कॉलेज में फैसिलिटेटर है तो अपने कॉलेज का नेम यहां पे सेलेक्ट करना, और अगर आपके कॉलेज का नेम यहां पे ना हो तो फिर अदर्स सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। और अपने कॉलेज का नाम यहां पे नीचे वाले में दे देना, ठीक है। उसके बाद अब यहां पे उन लोगों को फिल करना है जिनके कॉलेज में फैसिलिटेटर नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके कॉलेज में फैसिलिटेटर नहीं है, गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब नहीं है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा चूज करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहां से चूज कर सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को, ठीक है। और अगर आपके कॉलेज में फैसिलिटेटर हो तो अपने कॉलेज को यहां सेलेक्ट कर लेना। अगर यहां पे इनकी ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपके कॉलेज का नेम ना हो तो अदर्स में लिख देना, और अगर आपके कॉलेज में फैसिलिटेटर ना हो तो ये दोनों चीज करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा यहां पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को सेलेक्ट कर लेना। ऐसे कुछ कॉलेज की लिस्ट आएगी पूरी, ठीक है, उसको सेलेक्ट कर लेना। ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में अपना ग्रेजुएशन का ईयर डाल देना, इसको यस कर देना, मतलब नेटवर्क कनेक्शन को, इस वाले को, ठीक है। उसके बाद क्विकलैब्स का अकाउंट है कि नहीं, मैंने आपको पहले ही दोनों वीडियो बताया, नया क्विकलैब्स का अकाउंट बनाओ, पिछली वीडियो मैंने बनाकर दिखाया था, वही मैं अकाउंट यूज करूंगा। और उसके बाद ये नेक्स्ट पेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या करना है इसको समझ लो। सबसे पहले आपको लॉग इन करना होगा क्विकलैब्स के अकाउंट में, जो नया जीमेल बनाया है, जो नया अकाउंट बनाया है उससे लॉग इन करना, ठीक है। उसके बाद लॉग इन करने के बाद आपको ए टूर ऑफ क्विकलैब्स वाली लैब पर जाना होगा। मैं पहले लॉग इन करके दिखा देता हूं, मैंने अकाउंट पिछली लैब में बनाया था, पिछली वीडियो बनाया था नया अकाउंट, अब मैं साइन इन करूंगा उसी पर्टिकुलर अकाउंट में, ठीक है। तो ये मैंने नए क्विकलैब्स के अकाउंट में साइन इन कर लिया, ठीक है। अब यहां कैटलॉग में जाना, या तो इस तरह से ए टूर ऑफ क्विकलैब्स वाली लैब पर चले जाना, गूगल क्लाउड हैंड्स ऑन वाली, या तो फिर यहां पे आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप पहुंच जाएंगे। ये सेकंड वाले पॉइंट की बात अभी मैं कर रहा हूं, ठीक है। फिर आप इस पर्टिकुलर लैब पर पहुंचेंगे, ये एकदम स्टार्टिंग लैब होती है, इसको स्टार्ट करना, और इसमें कोई टास्क नहीं करना होता है आपको, ठीक है। बस 5 मिनट तक लैब को स्टार्ट रहने देना, फिर इसको एंड कर देना, ठीक है, या तो चीजों को फिल कर देना। इस पर्टिकुलर लैब में मैंने करके भी आपको दिखाया है, इस पर्टिकुलर लैब का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है इस पर्टिकुलर वीडियो में। उसके बाद सेकंड स्टेप आपका हो जाएगा। फिर थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है वो मैं आपको समझा देता हूं कि जब आप इस पर्टिकुलर लैब को स्टार्ट करने के बाद एंड कर देंगे तो आप वापस जाएंगे, पीछे जाएंगे, तो आपको यहां पे प्रोफाइल में एक्टिविटी टैब में शो हो जाएगा कि आपने इस पर्टिकुलर लैब में काम कर लिया है, ठीक है। लैब को जब स्टार्ट कर दोगे तो यहां पे शो हो जाएगा, जितने पॉइंट्स होंगे सब कुछ शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट की बात। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में आपको अपनी प्रोफाइल को पब्लिक करना होता है। वो कैसे करेंगे, जैसे ही आप यहां पे आएंगे प्रोफाइल में एक्टिविटीज में आपको लैब शो हो जाएगी, और यहां पे मैंने क्योंकि अपनी प्रोफाइल को पब्लिक कर दिया था, आपने अगर नहीं किया होगा तो यहां पे लिख के आएगा मेक प्रोफाइल पब्लिक, उस पर क्लिक करना, फिर पूछेगा, फिर से पब्लिक पे क्लिक कर देना, फिर आपके पास आपकी सेपरेट लिंक जनरेट हो जाएगी। इस लिंक को ऐसे आराम से ध्यान से कॉपी करना, ठीक है। और कॉपी करने के बाद यहां पे इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपको पेस्ट करना होगा अपनी लिंक। कॉपी करने के बाद क्विकलैब्स
स्किलिंग, ये काम हो जाएगा। ये लैब मैंने इसमें करके दिखाई है, अगर आपको सोल्यूशन चाहिए हो तो ये लैब को देख लेना, इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा। ठीक है, सब कुछ सेम होगा, कुछ डिफरेंट नहीं होगा, कुछ डिफरेंट होगा तो मैं वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, और उसके बाद आई एक्नॉलेज करके सबमिट कर देना फॉर्म को, 24 घंटे के बाद आपके पास मेल आ जाएगा। मेल में सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है वो मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताया है, कौन सी वीडियो में, इस वाली वीडियो में, फॉलो दिस एग्जैक्ट पाथ। बाकी मैं एक अपडेटेड वीडियो और आपको बता दूंगा, एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, बाकी इस वीडियो को देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ऐसे आपको फॉर्म को फिल करना है, कहां पे क्या नाम डालना है सब कुछ मैंने आपको बता दिया। बाकी शॉर्ट में एक चीज और आपको समझा देता हूं कि ये मेन चीज है इस पे आपको ध्यान देना है, यहां पे अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना, अगर आपके कॉलेज में फैसिलिटेटर हो तो उसको सेलेक्ट करना, और अगर इस पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन में आपके कॉलेज का नाम ना हो तो फिर अदर्स करके अदर्स सेलेक्ट करना यहां पे, और यहां पे अपने कॉलेज का नाम डाल देना। अब उन लोगों के लिए जिनके कॉलेज में फैसिलिटेटर नहीं है उन्हें इसमें कुछ नहीं करना है, यहां पे सीधा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को सेलेक्ट कर लेना, बस आपका काम हो जाएगा। ये मेन चीज थी। ठीक है, तो ये अपनी वीडियो थी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना। चलिए अब चलते हैं।